काफी अच्छा मोटा पैसा बना लिया था वहां पे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। ये है पार्ट टू एमबीए इन जर्मनी का वीडियो, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरभ से, जो कि एमबीए कर रहे हैं जर्मनी में हॉक्सुले ब्रिमन से। और इसका हमने पार्ट वन वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी कंप्लीट जर्नी शेयर करी थी कि वो उन्होंने जर्मनी को एमबीए करने के लिए क्यों चूज किया, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और कैसी आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करके आनी है अपने एमबीए को यहाँ पे कंप्लीटली सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कैसे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब के दौरान कितनी क्या सैलरीज मिल सकती है, या फिर आप आपके एक्सपेंसेस कितने होते हैं, और उस जब आप जॉब करते हैं तो आप कुछ ना कुछ सेविंग कर पाओगे कि नहीं, उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। और उसके बाद में फुल टाइम जॉब्स, और फुल टाइम जॉब्स में कितनी सैलरीज आपको इन हैंड मिल जाती है, और एक कंप्लीट आपका पैकेज कितना रहता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थैंक यू सो मच सौरभ फ्लाइंग अब्रॉड पे आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये आपका सेकंड वीडियो होने वाला है, सो वी रियली रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाला वीडियो बनाने के लिए। सो अपना ये टॉपिक है आज का कि कैसे क्या पार्ट टाइम जॉब्स हैं, सैलरीज हैं, और फुल टाइम जॉब्स के क्या सिनेरियोस हैं, उनकी क्या सैलरीज है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब एमबीए के दौरान कैसी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं यहाँ पे। थैंक यू सचिन फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जनरल जर्मनी में पार्ट टाइम्स बहुत अवेलेबल है, एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब्स हैं पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जो अपनी पढ़ाई के साथ मतलब कोर्स वर्क के साथ कैरी आउट कर सकते हो एज एन एमबीए स्टूडेंट, तो आपको जो गवर्नमेंट अलाउ करती है वो 20 आवर्स पर वीक है। आप उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, और उससे ज्यादा करने का रिस्क भी मत ले, मतलब मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि कोई ले। तो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए सबसे पहला मतलब काफी जॉब्स अवेलेबल हैं, और उनकी भी मैंने यहाँ से आने से पहले काफी रिसर्च की थी कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो मेरी जो लिस्ट थी उसमें सबसे टॉप पे जो था वो था वर्किंग स्टूडेंट। तो वर्किंग स्टूडेंट इट्स लाइक आप जिस फ्यूचर में जिस कंपनी में काम करना चाहते हो आप उसी कंपनी में एज अ स्टूडेंट काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंसल्टिंग बिजनेस में जाना चाहते हो, आपने इंडिया में किसी कंसल्टिंग कंपनी में काम करके रखा है, तो आप यहाँ पे किसी भी बिग फोर में अप्लाई कर दो। इनकेस अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो एक जस्ट आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप वहां पे एज अ 20 आवर्स पर वीक वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिल जाएगा आपको। आप एवरी डे 4 to 5 आवर्स वहां पे काम करोगे और उनको उनका जो भी असाइनमेंट है उसमें हेल्प करोगे, तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो वर्किंग स्टूडेंट आप बाद में फुल टाइम कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है वर्किंग स्टूडेंट का। और वर्किंग स्टूडेंट को आप या तो फुल टाइम में नहीं तो आप इंटर्नशिप में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वहां पे बहुत ही हायर प्रोबेबिलिटी है आपको वो कन्वर्ट करने की। दूसरा, अगर आपको वर्किंग स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट इजी नहीं होता है मिलना, उसमें भी काफी स्ट्रगल है, काफी एप्लीकेशन अप्लाई करने होते हैं, काफी रिजेक्शन भी मिलते हैं, तो यूजुअली मिलता है नहीं भी मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो, तो आप दूसरे जॉब्स भी हैं जो अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सुपर मार्केट में काम कर सकते हो, या फिर आप जो भी स्टोर्स हैं, बर्गर स्टोर्स हैं, डोनर पिता स्टोर्स हैं, इसमें जाके काम कर सकते हो। तो इसमें एप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, आप सीधा आप मैनेजर को अप्रोच करिए, वो आपको बता देंगे वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं है। या तो आप किसी रेस्टोरेंट्स में भी ट्राई कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट में सीधा जाके उनके मैनेजर जो भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वहां पे जो मैनेजर बैठते हैं आप उनसे बात कीजिए, वो लोग आपको बता देंगे कि वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं तो अगर आपकी जर्मन बहुत ही अच्छी है, जैसा कि मैंने बोला अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो B1 लेवल मिनिमम करके आइए, तो अगर आपकी जर्मन बहुत ही अच्छी है तो आप सीधा आल्डी और सुपरमार्केट, ये जितने भी सुपरमार्केट स्टोर्स हैं आप उसमें अप्रोच कर सकते हो, और उनकी वेबसाइट होती है वहां पे आप पार्ट टाइम का फिल्टर होता है, पार्ट टाइम फिल्टर सेलेक्ट करके आप वहां पे भी सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और अगेन एप्लीकेशन के लिए अगर आप ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हो तो आपको एक मिनिमम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होता है जिसमें आपका करंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसको वो इमात्रिकुलेशन बेशाइनिगुंग बोलते हैं जर्मन में, और फिर आपका सीवी चाहिए, आपका रेसिडेंट परमिट चाहिए, रेसिडेंट परमिट के साथ एक ग्रीन पेपर आता है जिसको वो चाहिए होता है, और आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, टैक्स आईडी और बैंक अकाउंट डिटेल्स। सो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करना होता है। और अगर आपको वर्किंग स्टूडेंट भी नहीं मिल रहा है, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स भी नहीं मिल रहा है, मतलब ये दूसरा कैटेगरी जो मैंने बताया, मतलब सुपरमार्केट्स या फिर जो भी बर्गर स्टोर्स हैं इन सब पे रेस्टोरेंट्स में नहीं मिल रहा है, तो थर्ड आप वर्स्ट केस में आपको अगर यहाँ पे पर्सोनल सर्विसेज करके काफी कंपनीज होते हैं हर सिटी में, जो हम अगर इंडिया में इंडियन टर्म्स में बोले, इंडियन वर्ड्स में, तो एजेंट्स ऐसा, तो वो लोग काफी हेल्प करते हैं आपकी, और उनका क्या होता है कंपनीज का साथ टाई अप होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी ए को टारगेट किया, डायरेक्टली अप्लाई किया उनकी वेबसाइट पे जाके, लेकिन आपको रिजेक्शन मिला,
लेकिन आप अगर उन एजेंट्स के थ्रू उसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आपको मिलने के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उनका टाइप होता है तो उसमें ऐसा होता है कि वो आपकी सैलरी से कुछ 50 सेंट्स या 40 सेंट्स डिडक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड कैटेगरी। तो आप इन सब में ट्राई करके आप ओवरऑल आपको जो मतलब आप कहीं पे भी सिक्योर कर लो अपना पार्ट टाइम जॉब, और उसके बाद आपको पर यूरो जो आपका पेमेंट होता है वो मिनिमम 10 यूरो आपको मिल जाता है। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट कर रहे हो तो आपको उसमें 14 यूरोज पर आवर मिलता है। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड मतलब मैंने खुद ट्राई किया, मैंने अप्लाई किया, और मैं लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि वो वर्किंग स्टूडेंट पे पहले फोकस करें, क्योंकि उसमें आपकी पेमेंट ज्यादा है, 14 यूरोज आपको मिलता है। और अगर वर्किंग स्टूडेंट नहीं मिल रहा है तो आप फिर पार्ट टाइम में अपना कंटिन्यू कर सकते हो जहां पे आपको 10 यूरोज मिलता है। सो एंड ऑफ स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आप ऑलवेज एम फॉर वर्किंग स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे आपकी पेमेंट ज्यादा है। आप मंथली 1000 यूरो या उससे ज्यादा भी मतलब अपना अर्न कर सकते हो और अपना आपको मैनेज कर सकते हो। सो मोटा मोटी बात यह है कि वर्किंग स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं जर्मनी में। वर्किंग स्टूडेंट बोल दो या फिर पार्ट टाइम जॉब बोल दो या जो भी है, एज ए स्टूडेंट आपको जॉब के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और सैलरीज भी इतना नहीं है कि कोई कम है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेज यहाँ पे है अराउंड 10 यूरोज, तो बेसिकली वो मिल जाएगी या तो उससे ऊपर मिल जाएगी, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, राइट। और लैंग्वेज काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है एज यू ऑलरेडी मेंशनड, और एज यू सेड कि कंपनीज में जॉब करोगे तो पैसा थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, और वो एटलीस्ट आपके डोमेन में भी फेवर कर जाएगी, फेवर आपके रिज्यूमे में लिखने के लिए मिल जाएगा कि हमने इस फील्ड में काम ऑलरेडी किया है जर्मन एनवायरमेंट में। तो वो आपको एक क्या होता है, आपको एक लोकल एम्प्लॉयर का स्टैम्प भी मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आप अपने रिज्यूमे सीवी पे शो कर सकते हो इन केस फ्यूचर में अप्लाई कहीं कर रहे हो तो वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो आप अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको भी अभी यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, तो आपको कितना यहाँ पे क्या एवरेज सैलरी मिली है, जस्ट अप्रोक्सीमेट आइडिया। तो मैं जब यहाँ पे आया था 1 दिसंबर में लास्ट ईयर 2020, तो एक दो महीना सेटलमेंट में गया, उसके बाद मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया। तो मैं एक वेयर हाउस में काम करता था जहाँ पे मेरे को मिनिमम 10.45 पर आवर मिल रहा था, और मैंने पार्ट टाइम ईस्टर ब्रेक में चालू किया। तो ईस्टर ब्रेक एक पब्लिक हॉलीडे है जर्मनी का, नेशनल हॉलीडे मिलता है इनको, तो उसमें आपको और जस्ट डबल पेमेंट मिलती है। तो मेरे को उस टाइम पे अराउंड 50-20 यूरोज पर आवर मिल रहा था। तो उस वेयर हाउस में मैंने दो वीक काम किया और मैंने मतलब काफी अच्छा मोटा पैसा बना लिया था वहां पे, मतलब अपना 2 महीने का खर्चा काफी निकाल लिया था। तो उसके बाद फिर वो मेरा पहला पार्ट टाइम था, लेकिन वो काफी टीडियस था, काफी स्ट्रगल थी उसमें, क्योंकि मुझे काफी ट्रैवल करना होता, पहले 1 घंटे ट्रैवल जाना, 1 घंटा आना, तो वो मेरा 2 घंटा दिन का ले लेता था। और फिर मेरी जो शिफ्ट होती थी वो लगभग 10-11 आवर्स होती थी एवरी डे, लेकिन मेरे को बस वीकेंड पे काम करना होता था, बट स्टिल वो काफी हेक्टिक हो जाता था क्योंकि आपका पूरा दिन चला जाता था। तो फिर मैंने वहां पे 2 वीक काम किया और फिर मैंने उसको वो छोड़ दिया। और यहाँ पे पार्ट टाइम अगर आप रिजाइन भी दे रहे हो तो अपना इंडिया जैसा नहीं कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है, आप ऑफिस में जाके बस आप बोल दो मुझे दूसरा जॉब मिल गया है, मुझे रिजाइन करना है, तो वो आपको तुरंत वहां पे वो पेपर साइन करके रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे एंड यू आर लाइक बाय बाय। तो ऐसा कुछ नोटिस पीरियड जैसा नहीं है, और नोटिस पीरियड जैसा इसलिए नहीं क्योंकि आप जब एज अ स्टूडेंट आते हो तो आप अगर कहीं भी जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो जो 1st 6 मंथ्स है दैट इज कंसिडर्ड प्रोबेशन पीरियड, तो आप प्रोबेशन पीरियड में कभी भी रिजाइन कर सकते हो, तो उसका रीजन ये है। तो हाँ, तो मैंने फिर वेयर हाउस में काम किया, उसके बाद मैंने दूसरा पार्ट टाइम एक मेडिकल लैब में चालू किया। तो वहां पे क्या था, सबसे बड़ा एडवांटेज कि मैं अपनी जर्मन इम्प्रूव कर पा रहा था क्योंकि वहां पे लोग ओनली जर्मन्स थे, तो मेरे को एक जर्मन एनवायरमेंट में काम करने को मिल रहा था जहां पे मैं अपना हियरिंग स्पीकिंग काफी इम्प्रूव कर पाया। और वहां पे मेरे को यहाँ पे मेरे को हॉलीडे में काम करना अलाउड नहीं था क्योंकि इनका नॉर्मल ऑफिस था, नॉर्मल मेडिकल लैब थी, तो जो मंडे टू फ्राइडे चलती थी, तो यहाँ पे मेरे को पर मंथ 10.5 यूरोज पर आवर मिल रहा था। तो यहाँ पे भी मैंने 2 महीने काम किया और यहाँ पे भी मेरे को लगभग महीने में मैं अराउंड 900 यूरो इधर भी मैंने मतलब इतना अर्न किया था, इतना। ओके दैट्स वेरी गुड। आई थिंक 900 यूरो के ऑलमोस्ट अगर 800 से ऊपर आप कहीं पे भी जाते हो तो काफी अच्छी अमाउंट हो जाती है एक्सपेंसेस के बाद में। तो यहीं से अगर अर्निंग की बात करें, यहीं से कनेक्ट करते हैं कि भाई एवरेज एक्सपेंसेस एक स्टूडेंट के आपके एक्सपीरियंस से कितने होते हैं और आपके एग्जैक्टली कितने मंथली चार्जेस लग जाते हैं इन ओवरऑल। तो एवरेज एक्सपेंस भी अगर देखा जाए तो वो काफी सिटी स्पेसिफिक है। अगर आप साउथ जर्मनी में जा रहे हैं तो वहां पे रेंट ज्यादा है, स्टूडेंट एक्सपेंसेस तो कॉमन रहते हैं लेकिन रेंट आपका मैटर करता है सिटी टू सिटी। तो साउथ में रेंट काफी ज्यादा है, ईस्ट में रेंट काफी कम है या मैनेजेबल है, मेरे नॉर्थ साइड में भी काफी ठीक है, कम है, मैनेजेबल है। तो
मैं अपनी सिटी की बात करूं जहां पे मैं रहता हूं, तो और मैं अपने बारे में बात करूं अपने एक्सपेंसेस के बारे में, तो मैं ब्रेमेन में रहता हूं, तो यहां पे रेंट जो मैं पे करता हूं वो 290 यूरोस है। अगेन यहां पे भी रेंट वेरी करता है 250 से 350 यूरोस के बीच, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट एंड वर्क अपार्टमेंट में रहता हूं, तो यहां पे रेंट थोड़ा कम है। तो 290 यूरोस मैं रेंट पे करता हूं, और ऑन टॉप ऑफ इट मेरे को 110 यूरो हेल्थ इंश्योरेंस पे करना होता है, जो कि मैंडेटरी है, आप हेल्थ इंश्योरेंस से भाग नहीं सकते। और ऊपर से फिर आपको अपनी ग्रोसरीज के लिए भी महीने का खर्चा निकालना होता है, तो मैं ग्रोसरीज का अराउंड 120 टू 150 यूरोस ग्रोसरीज में स्पेंड करता हूं। तो ओवरऑल अगर आप देखें मोटा मोटा जो मैं एज अ स्टूडेंट अपने लेवल पे खर्चा करता हूं, तो वो 550 यूरो 550 यूरोस अराउंड में स्पेंड करता हूं। तो अगर आप पार्ट टाइम कहीं पे कर रहे हैं, तो आप देखिए आपके पास मार्जिन होता है टू सेव सम मनी, तो आप उसके आराम से पार्टी कीजिए, काफी कुछ एंजॉय कर सकते हैं अपना लीजर टाइम। Absolutely, travel कर सकते हो क्योंकि जर्मनी एकदम हार्ट ऑफ द यूरोप है। तो से फॉर एग्जाम्पल किसी कोई बंदा 800 यूरो अर्न कर रहा है या कर रही है, तो उसका मंथली एक्सपेंसेस 550 है, तो उस सिचुएशन में उसको 800 क्या डायरेक्ट मिल जाता है अकाउंट में, या फिर कुछ टैक्सेस लग के फिर कट होके आता है? तो इसमें आपके अगर ये जो टैक्स होता है वो आपके टैक्स आईडी और आपका कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको वर्किंग स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वहां पे आपका टैक्स कट होता है। कितना होता है मैं क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट तो नहीं किया इससे मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको नॉर्मल पार्ट टाइम बता देता हूँ। तो नॉर्मल पार्ट टाइम में मैंने जो पहला पार्ट टाइम था वेयर हाउस में, उसमें मेरा कुछ 60-70 यूरोस कट हुआ था, और क्योंकि वो भी उन्होंने मेरे को नॉर्मल 80 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन जो मैंने मेडिकल लैब पे किया वो उन्होंने मेरे को स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट पे दैट इज टैक्स फ्री, तो मेरा एक भी रुपए वहां पे कट नहीं हुआ। मेरे को डॉट टू डॉट पूरा जितना एज पर योर कैलकुलेटर जितना भी आया उतना मेरे को उन्होंने क्रेडिट किया। तो वो जो टैक्स है वो आपका टैक्स आईडी पर डिपेंड करता है, दूसरा आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के भी कई वैरायटीज होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, एब्सोल्युटली। और आई थिंक 450 यूरो तक तो मिनी जॉब में कंसीडर होता है, तब तक कोई वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा। 450 से ऊपर अगेन डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। और आई थिंक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आप 800 यूरो अर्न कर रहे हैं तो उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 720 यूरो आपको इन हैंड आ जाएगा, अगर इन जनरल टैक्स कटता है तो। और फिर अगेन वो ईयरली एक लिमिट है 9000 यूरो तक, अगर आपकी ईयरली अर्निंग हुई है तो आपको जो भी टैक्स मंथली लगा था वो आप वापस क्लेम बैक कर सकते हो अंटिल यू आर स्टूडेंट। बराबर, ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। सो एवरेज एक्सपेंसेस की बात होगी, अब बात करते हैं कि फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज एमबीए वाले बंदों के लिए या बंदियों के लिए कैसी रहती हैं जर्मनी के अंदर। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ सेकंड सेमेस्टर का, तो मेरे पास अभी उतना कुछ आइडियाज नहीं है, बट मैं अपने सीनियर्स के साथ टच में हूँ, मैंने उनसे काफी बात कर रखी है, तो उन्होंने मेरे को काफी कुछ रेकमेंड किया कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ से अप्रोच करना है। तो अलग अलग पोर्टल्स हैं, लिंक्डइन है, जिंग है, स्टेपस्टोन है, फिर आपका इंडीड है, ये चार पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, सारे एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएंगे। आप जॉब टाइटल को सर्च कीजिए, अपना लोकेशन फिल्टर में डालिए और आपको ढेर सारी लिस्ट निकल के आ जाएगी, और वहाँ पे आपको जॉब्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्वायरमेंट सब आ जाएगा। आप रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आपको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई स्किल्स मिसिंग है तो अपनी स्किल्स डेवलप करके उसके बाद अप्लाई करिए। उसके बाद एप्लीकेशन में मैं यही कहूंगा, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि एक बार जब पोस्ट एडवर्टाइजमेंट ओपन मार्केट में आ जाता है तो एम्प्लॉयर के पास, मतलब यूजुअली जो मैंने देखा है, नोटिस किया है, वो यही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल वाले जो इतने भी कैंडिडेट्स हैं प्रेफरेंस उनको मिल जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के पास भी एक बल्क ऑफ एप्लीकेशन आता है, तो अगर एम्प्लॉयर्स के पास पहले 10 में से कोई अच्छा कैंडिडेट मिल गया तो वो उसी के साथ मूव ऑन करते हैं। फिर आप डजंट मैटर कि आप कितने अच्छे हो, लेकिन आप लिस्ट में बहुत पीछे हो तो फिर वो आप फिर एक, मतलब आपको एक रिजेक्शन ईमेल ही मिलेगा। तो वही है कि आप जैसे ही अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कोई ओपनिंग दिख गई है, तो उसको आप राइट एट द मोमेंट जस्ट अप्लाई इट विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आ ही जाएंगे उन पे। तो जॉब की जब बात कर रहे हैं और वो स्पेसिफिकली एमबीए डोमेन में, तो जर्मन लैंग्वेज कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है आपके नेटवर्क में? मान लो काफी सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या वो कम्प्लीटली जर्मन लैंग्वेज में ही उनका डे टू डे लाइफ का जॉब हो रहा है, या फिर क्या क्या एस्पेक्ट है वहां पे? अगर आप, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और एज एन इंडियन हर कोई जर्मन लैंग्वेज से दिखे पहले तो भागता है, कि वो यही सोचते हैं कि इंग्लिश जॉब कैसे ना कैसे मिल जाए। तो मेरे काफी सीनियर्स इंग्लिश वाले जॉब्स में काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब के पास B1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज है, मतलब अगर आपको कोई भी मैनेजमेंट फील्ड में काम करना है तो एक सर्टेन लेवल तो आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए। और यूजुअली यहाँ, मतलब मैंने जितना भी डिस्कशन किया अपने सीनियर्स के साथ, अपने एल्यूमिनाइज के साथ,
उनका यही है कि आपको B1 लेवल तो चाहिए ही चाहिए अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में काम करना है तो, और B1 लेवल आपका मिनिमम है, आप उससे कम नहीं सोच सकते। ऊपर जो ऊपर और रिक्वायरमेंट जहां भी जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो चाहिए B2 लेवल C1 लेवल, लेकिन B1 तो मिनिमम आपको चाहिए। अगर B1 नहीं आती तो बहुत ही मुश्किल है आपको यहाँ पे कोई जॉब ढूंढना। अगर आप इंडिया से नहीं सीख कर रहे हो, आपका ये प्लान है कि मैं जर्मनी जाके सीखूंगा, उनके एनवायरमेंट में रहकर सीखूंगा, दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच, लेकिन आपको उसका 4-5 times पैसा भी पे करना होगा। इंडिया में आपको हर एक लेवल के लिए 10,000 से 15,000 से 20 मैक्स टू मैक्स, अगर आप अपर लिमिट देखो तो हर एक लेवल का अपर लिमिट है 20,000, नहीं तो आप 15,000 में भी मैनेज कर सकते हो हर एक लेवल। लेकिन जर्मनी में अगर आप आके सीख रहे हो तो यहाँ पे आपको हर एक लेवल के लिए मिनिमम 400 से 500 यूरो पे करना है, तो वो काफी मैटर कर जाता है। तो मैं वही रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा अगर आप आ रहे हो तो आप बैक फ्रॉम इंडिया से सीख के आओ, B1 लेवल तक वहीं से सीख के आओ, क्योंकि फिर आप यहाँ पे आके डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकोगे, आपको फिर लर्निंग में उतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पे इजिली प्रैक्टिस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, और आप पार्ट टाइम करके काफी कुछ मतलब अपना मैनेज एक्सपेंसेस मैनेज भी कर सकते हो। दैट्स आई थिंक वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज कोई भी डिग्री करने आप आ रहे हैं जहां पे एक लैंग्वेज का यू नो डोमिनेंस है, तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, राइट? सो रादर देन यहाँ पे आने के बाद में आप A1 से A2 से स्टार्ट कर रहे हैं, सो जैसा आपने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में मेंशन किया, इसमें भी किया कि B1 करके आना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स द सेम एडवाइस विच वी वांट टू गिव, कि आप अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो या फिर MBA के लिए आ रहे हो या फिर कोई भी कोर्स करने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, तो B1 जरूर सीख के आओ। इवन दो मुझे अभी A2 ही आती है, बट मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ B1 का अपना कोर्स। सो अब बात होगी जॉब्स की और फुल टाइम जॉब्स की। अब सबसे बड़ी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि फुल टाइम जॉब्स में एवरेज सैलरी कितनी है जर्मनी के अंदर। आई थिंक ये सवाल सबके जहन में आता है और हम लोगों को फ्रिक्वेंटली ये सवाल आ रहा है, तो आई थिंक आप MBA के स्पेसिफिक थोड़ी सी एवरेज सैलरी का एक नंबर यहाँ पे शेयर करें। MBA करने के बाद आपकी जो सैलरी है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस के काफी प्रोपोर्शनल है, मैं यही कहूंगा। तो अगर जितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पेमेंट मिलता है, लेकिन मेरी जो सीनियर से बात हुई थी अपने एल्यूमिनाइज के साथ, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसके एज पर डेटा दट आया है, उसमें आपको अराउंड 60,000 to 65,000 यूरोस सैलरी मिल जाएगी अगर आपके पास एक अच्छा मोटा वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 3 to 5 साल के बीच का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इतना अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर यू कैन अर्न। और एक Okay, so एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि अगेन जो भी आपकी सैलरी है वो बहुत ही सिटी स्पेसिफिक है, अगर आपको और उसके बारे में जानना है तो सचिन जी का वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप वो भी रिफर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी के बारे में और छोटा सा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपकी 60,000 ईयरली पैकेज जो सौरभ बता रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट हो गया 5,000 यूरोस पर मंथ। अगर अपन ईयरली पैकेज देखें तो अराउंड 54 lakh का पैकेज पड़ रहा है अगर 60,000 यूरोस आपको ऑफर मिला है, और अराउंड मंथली देखेंगे तो 5,000 यूरो विच मीन्स इज इट 4.5 lakh रुपीज पर मंथ। अगर अपन देखें कि टैक्स क्लास 1 में जो कि सिंगल्स के लिए अप्लीकेबल होती है उसमें अराउंड 4.5 lakh की सैलरी आपको इन हैंड पड़ेगी अराउंड 3,000 यूरोस, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 2.7 lakh रुपीज मैक्सिमम जो अभी रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग, और लेट्स से 2.6 to 2.7 lakh रुपीज पर मंथ। आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड अमाउंट इफ यू डू MBA फ्रॉम जर्मनी। और एक्सपेंसेस आपके हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि एक सिंगल के लिए कितने क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है जर्मनी की, तो वो आप जरूर वहां पे चेकआउट कर सकते हो, और आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन टू कंसिडर जर्मनी फॉर MBA। सो बैक टू सौरभ्स पॉइंट, तो सौरभ थैंक यू सो मच हियर फॉर शेयरिंग ऑल द यू नो पार्ट टाइम हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज सैलरीज हो गई या फिर फुल टाइम। सो आई थिंक आपने काफी सारे वैलिड पॉइंट्स को टच किया है यहाँ पे, और पहले वाला जो हमारा वीडियो था वो था कि जर्मनी से MBA क्यों करना चाहिए या फिर क्यों आप करें या फिर क्यों कंसिडर करें, और कैसे आप यहाँ से कर सकते हैं, क्या आस्पेक्ट्स हैं, क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर्स हैं। सो सौरभ इस वीडियो को आप समराइज करना चाहें अपने यू नो क्योंकि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, राइट? सो एक ओवरऑल समरी आप करना चाहें। जरूर इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। पहला तो ये कि आप जब इंडिया से इधर आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने आपको मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारे हर्डल्स मिलने वाले हैं, बहुत बड़ी बहुत लंबी स्ट्रगल होने वाली है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको बहुत अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उसके बाद आप अपना रिस्क कैलकुलेट करके आइए, कितना आपका पैसे खर्चे होंगे, आप कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायरमेंट है, इनकेस अगर आपका प्लान अगर आपके जो भी प्लानिंग है अगर उसकी चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है तो आपको कौन सा स्टेप लेना है, एक बैकअप भी सोच के आइए। फिर अपना पार्ट टाइम का थोड़ा रिसर्च करके आइए, सिटी के बारे में रिसर्च करके आइए,
कि आपको कौन सी सिटी में जा रहे हैं, वहां पे कैसे अप्लाई करना है, जॉब्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसा कि मैंने आपको पोर्टल्स बताया है, वहां पे जाके आप अपने जिस फील्ड में आपको जॉब करना है आप इंडिया से पहले से सर्च कर लीजिए कि उस फील्ड के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायरमेंट है, तो आप वहीं से उनको करके आइए, ताकि यहाँ पे आपको आके फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़े। और एट लास्ट आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो जर्मन लैंग्वेज जरूर सीख के आइए, मिनिमम बीमन लेवल सीख के आइए, ताकि आप यहाँ पे एक बार आ जाए तो आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है, पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएंगे अगर आपको बी1 आता है, तो फिर आप वहां से काफी पैसा बना सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यस यू ऑल शुड कंसिडर जर्मनी। ठीक है, बस एक लास्ट लाइन, जो भी फ्यूचर में स्टूडेंट्स जो भी इधर आने के लिए प्लान कर रहे हैं जर्मनी में, जस्ट कम प्रिपेयर्ड विद ऑल योर रिस्क एंड एवरीथिंग कैलकुलेटेड, ऑल योर स्ट्रगल सब कुछ दिमाग में लेके आइए, और रिजेक्शन बहुत मिलने वाले हैं तो रिजेक्शन को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बस जस्ट कीप अप्लाइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड हियर, यू विल गेट समथिंग, आई मीन यू विल गेट वेयरएवर यू वांट टू वर्क। थैंक यू, थैंक यू सो मच सौरभ, अपना टाइम निकालने के लिए और फ्लाइंग अब्रॉड पे आने के लिए। आई थिंक इस वीडियो से बहुत सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन लोगों को जो MBA या फिर यहाँ पे स्टडी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें अगर आपको इसमें से कुछ भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो, और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं MBA के बारे में तो उनको कमेंट्स में जरूर लिखें और हम वहां पे आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपके नोन नेटवर्क में कोई भी MBA करना चाहता है उसके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।